फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल होता है। इस टैग को वाहन के विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास जाती है तो टोल प्लाजा पर लगा सेंसर आपके वाहन पर लगे फास्टैग को ट्रैक कर लेता है। फास्टैग के प्रयोग से कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। पहले जो NHAI ने 1 जनवरी 2021 से फास्टैग मैंडेटरी कर दिया था, जिसमें कि बिना गाड़ी के जिसके पास भी फास्टैग नहीं है तो उनको दोगुना पैसा देके जाना पड़ रहा था। बट अभी जब हमें अपने हायर मैनेजमेंट से मालूम हुआ है कि ये चीज़ एक डेट एक्सटेंड हो गई है, क्योंकि 15 फरवरी 2021 से शुरू होगा। और फास्टैग हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल है 3, वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। आप ऑनलाइन भी उसको खरीद सकते हैं और बैंकों के थ्रू भी टैप कर सकते हैं। फास्टैग का बेनिफिट क्या है कि आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसमें आपको बिना कैश के झंझट से आप आराम से उसमें जाएंगे, वहाँ पे आपका रिचार्ज चार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली बूम बैरियर ओपन हो जाएगा। इससे ईंधन एवं समय की बचत होगी, साथ ही साथ टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देने के कारण लगने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन और खुले पैसे होने की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। फास्टैग की व्यवस्था गवर्नमेंट ने जो निकाली है ये बहुत सुचारू है और इससे गाड़ियों का ईंधन का बचत होता है। जिससे गाड़ी वाले लगा लिए हैं वो बिना रुके ही बूम बैरियर अप हो जाता है और वो चले जाते हैं सर। नहीं तो पहले जाम लगता था कैश लेन देन में, कभी ATM से पेटीएम से इससे प्रॉब्लम होती थी, जिससे कि फास्टैग आ जाने से ये सब सुचारू ढंग से हो गया है। फास्टैग से फायदा है, जाम लगने का कोई संभावना नहीं, फर्स्ट से पहले गेट खुले चले जाओ।